जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान। आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, देश की समृद्धि सुखे अटकन भावना की गांधी के लिए पर वो जो प्रदर्शनी वहाँ लगी थी, पूर्व घोषित प्रदर्शनी थी, देश के 18 स्थानों पर वो पहले से लगाई जा चुकी थी। जिन्होंने लगाई थी, सैयद नसीर अहमद, वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी हैं, इतिहासकार हैं। किसी बदनीयति से वो तस्वीर नहीं लगाई गई थी, बल्कि जब मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का फोटो कहीं लगेगा तो जो संयुक्त आंदोलन था इस देश की आज़ादी के लिए, उसमें जिन्ना भी शामिल थे, उनकी फ़ोटो बतौर एक मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी के तौर पर लगाई गई थी। उसके पीछे कोई मकसद नहीं था। इतिहास को नहीं बदला जा सकता, इतिहास को बदलने के लिए कोई कारण नहीं बनता है। जब आज़ादी की जंग की चर्चा होगी तो जिन्ना भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि उनका इतिहास है। वो भगत सिंह के वकील भी रहे हैं, तो उनका कोई, अगर आज़ादी की लड़ाई की बात होगी तो जिन्ना निश्चित रूप से माने जाएंगे, क्योंकि गांधी और जवाहरलाल भगत सिंह ये केवल हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शरीक नहीं थे, बल्कि जो वो मुल्क था जिसमें पाकिस्तान शरीक था, उसकी मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई में लोग थे, और जिन्ना भी उसमें से एक। हमारा देश अगर एनिमी कंट्री मानता तो इस देश का प्रधानमंत्री बगैर किसी कार्यक्रम के उस मुल्क के राष्ट्रपति की मां के जन्मदिन पर भेंट देने न जाता। इसकी जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री की है, जो बगैर किसी कार्यक्रम के उस देश के हुक्मरानों का जन्मदिन मनाने चले जाते हैं। तो जिन्ना की तस्वीर लग जाना कोई गुनाह नहीं है, इसका विरोध वही लोग करते हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है।